हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची सेकेंड थियरम ऑन लिमिट, जिसका प्रूफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका रिजल्ट जो है एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। चलिए तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट सेज, कि इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, सबसे पहली बात कि कैसी सीक्वेंस है, ये पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। ठीक है, और ए एन टू द पावर 1/n का लिमिट एंड ए एन प्लस 1/an का लिमिट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, देन दीज टू लिमिट्स आर इक्वल। वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी सीक्वेंस लेते हो पॉजिटिव टर्म्स की ए एन, और ये जो दो लिमिट हैं, कौन सा एक है ए एन की पावर 1/n, दूसरा है ए एन प्लस 1/an, यानी कि ए एन प्लस 1 वाली टर्म डिवाइड बाय उससे पिछली वाली टर्म, अगर आप इनका लिमिट लेते हो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और इनका आंसर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो फाइनाइट हो यानी कि चाहे वो कोई नंबर हो, या फिर इनफाइनाइट हो यानी कि इन्फिनिटी आंसर आता हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस केस में इन दोनों के लिमिट सेम होंगे। यानी कि लिमिट ए एन टू द पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने क्या करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an, इसका हम लिमिट लेके चलेंगे एल। ठीक है, एक बार हम फाइनाइट लेके चलेंगे, एक बार इन्फिनाइट लेके चलेंगे। तो एक बार मैं इसको फाइनाइट लेके चल रही हूँ, ठीक है, और मुझे शो क्या करना है, मुझे ये शो करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1/n का आंसर भी कितना आता है, l ही आता है। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी है। तो अब इसका लिमिट l है तो इस पर हम डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच अ दैट, क्या हो जाता है कि इसका मॉड यानी कि ए एन प्लस 1/an माइनस एल का मॉड लेस देन हो जाता है एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है ना, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि आगे थ्योरम के प्रूफ में काम आएगा, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 लेके चलेंगे। ठीक है, सो मॉड ऑफ ए एन प्लस 1/an माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इसको थोड़ा सा हम खोलते हैं, तो खोलने पे आपको मालूम है क्या आ जाएगा कि ए एन प्लस 1/an ये हो जाएगा ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक काम करेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है वो किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हम एक काम करेंगे, n को रखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम m। ठीक है, तो n रखेंगे हम m, m प्लस 1, m प्लस 2 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक इसको हम ले जाएंगे, अप टू n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। ठीक है, तो रख के देखिए क्या क्या हो जाएगा ये। हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 होगा ना, ये तो रखेंगे एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज़ लेस देन, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, एम रखूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम एम रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए एम प्लस 1/am इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म में हम क्या रखेंगे, ए ये एम प्लस 1 रखेंगे, तो उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज़ लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एम प्लस 2 डिवाइड बाय ए एम प्लस 1 इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर न्यूमरेटर में एम प्लस 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर एम प्लस 1 है, यानी कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे आप कहाँ तक चलेंगे, आप चलेंगे n माइनस 1 तक। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, l माइनस एप्सिलॉन बाय 2 इज़ लेस देन, यहाँ पे रखेंगे हम n माइनस 1। ठीक है, अब आपको रीज़न समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिया है, ताकि मैं जनरली यहाँ पे n बना सकूँ।
ठीक है। तो जब आप n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो ये बनेगा आपका ए एन डिवाइड बाय, और ये क्या हो जाएगा आपका ए एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस वन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाय टू। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये तमाम जितनी टर्म्स आ गई हैं इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये टर्म्स कितनी हैं, हमने इससे पहले भी करा था, तो ये आपके जो है एम प्लस वन से लेकर, मैं सिर्फ ऊपर का बता रही हूँ, जैसे कि एम प्लस वन से लेकर एन तक है, ठीक है, या फिर आप एम से लेकर एन माइनस वन तक है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी हैं आपकी, ये है आपकी एन माइनस एम टर्म्स है। कैसे करोगे, लास्ट टर्म में से पहला टर्म माइनस करो और वन को ऐड करो, सो एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, सो इट इज़ एन माइनस एम। तो ये सारी कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल टर्म्स हैं एन माइनस एम टर्म्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप खुद अपने बुक में करेंगे और आपको पता चलेगा जब आप इन n माइनस m टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, l माइनस एप्सिलॉन बाई टू, सो इट वॉज l माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर, कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया, सो इट वॉज n माइनस m, n माइनस m, यहाँ पे क्या था आपका l प्लस एप्सिलॉन बाई टू की पावर n माइनस m। अब बचता है बीच की टर्म, ठीक है, तो बीच की टर्म में क्या है, बीच की टर्म में आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ ऊपर बचता है ए एन और नीचे बचता है आपका ए एम, ठीक है। सो आपके पास बना एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू टू द पावर एन माइनस एम इज लेस देन ए एन बाय ए एम एंड इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाय टू टू द पावर एन माइनस एम। अब हम एक काम करेंगे, इस ए एम को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एम इंटू एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू की पावर एन माइनस एम लेस देन ए एन लेस देन ए एम एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू की पावर एन माइनस एम, ठीक है। अब ये चीज़ हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ये लेके चले हैं कि जो आपकी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक और काम करेंगे, हम सब जगह nth रूट ले लेंगे, जब nth रूट ले लेंगे तो ये क्या बनेगा ए एम टू द पावर वन बाई एन, यहाँ पे क्या बन जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ये हो जाएगा आपका वन माइनस एम बाई एन लेस देन, ये हो जाएगा ए एन टू द पावर वन बाय एन, ठीक है। कुछ कुछ वो चीज़ आ रही है जो हमें चाहिए, लेस देन ए एम टू द पावर वन बाय एन, और यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन बाय टू टू द पावर वन माइनस एम बाय एन, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इन पे हम अप्लाई करेंगे, इन पे और इस पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या चीज़ आती है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये क्या चीज़ आती है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, सो लिमिट ए एम टू द पावर वन बाय एन एल माइनस एप्सिलॉन बाय टू टू द पावर वन माइनस एम ओवर एन, ये कितना आ जाएगा जब आप इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे, तो ये ज़ीरो को टेंड करेगा, यानी कि ए एम टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका l माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ये हो जाएगा ज़ीरो, सो वन हो जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, ए एम टू द पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, सो दिस इज़ l माइनस एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब आप इस पे लिमिट लगाओगे, ठीक है, जब आप इस पे लिमिट लगाओगे, सो दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या है वो ए एम टू द पावर वन बाय एन, और ये हो जाएगा आपका l प्लस एप्सिलॉन बाय टू टू द पावर वन प्लस एम बाय एन, ये कितना आ जाएगा, सिंपली l प्लस एप्सिलॉन बाय टू आ जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन बाय टू, ठीक है। अब क्योंकि आपका ये लिमिट, इसकी लिमिट ये आ गई है, इसकी लिमिट ये आ गई है, तो यहाँ पे आप फिर से डेफिनेशन के रूप में इसको लिख सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो कि, अगर यहाँ पे जगह है तो मैं बिल्कुल लिखूँगी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, पहले मैं इसको लिखूँगी, ठीक है,
इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी लिमिट एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू है. तो डेफिनेशन क्या कहती है कि दिस टर्म माइनस द लिमिट, क्या कहा, मॉड ऑफ दिस टर्म ए एम टू द पावर वन ओवर एन एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू टू द पावर वन माइनस एम ओवर एन माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर ये इसकी लिमिट है. सो एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन. ठीक है, ये क्या चीज़ कहा मैंने, ये एक्चुअली लिमिट की डेफिनेशन है कि आप कोई भी एप्सिलॉन लेते हो तो एक पॉजिटिव इंटीजर एम वन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा सच ए दैट कि इसका मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन. ठीक है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो फिर से एक बार बताती हूँ कि ये इसकी लिमिट है. ठीक है, ये इसकी लिमिट है, तो जस्ट मैंने लिमिट की डेफिनेशन लगा दी कि फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दिस इज ट्रू, देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम वन सच दैट द कंडीशन इज लाइक दिस. उसी तरह से ये है, इसकी लिमिट है एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू, तो इस पर फिर से मैं क्या लगा सकती हूँ, डेफिनेशन लगा सकती हूँ. क्या लिखेंगे, ए एम टू द पावर वन ओवर एन, यहाँ पे आ जाएगा आपका एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू टू द पावर वन प्लस, कहाँ से हो गया ये, दिस इज माइनस, ठीक है, वन माइनस एम ओवर एन माइनस, इसकी लिमिट क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू है, एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू, इसका मॉड क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू. तो इसके लिए इंटीजर है एम वन, इसके लिए इंटीजर है एम टू. ठीक है, तो अगर मुझे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो मुझे क्या करना होगा, इस एम वन का और इस एम टू का मैक्सिमम लेना होगा. मैंने एम वन और एम टू का मैक्सिमम ले लिया एम, अच्छा ओके, मैंने एम जो है ऑलरेडी यूज़ किया तो एम डैश ले लेते हैं. ठीक है, तो पहला क्या कह रहा था कि ए एम टू द पावर वन बाय एन एल माइनस एप्सिलॉन वन माइनस एम बाई एन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन था. ठीक है, अगर एम वन के लिए है तो उससे बड़े इंटीजर जो उनका मैक्सिमम है उसके लिए भी बात ट्रू हो जाएगी, यानी कि एम डैश के लिए भी बात ट्रू हो जाएगी. अब वैसे सेकेंड वाली जो हमारी टर्म आई थी वो भी एम डैश के लिए ट्रू हो जाएगी. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा खोल देना है. जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये चीज़ क्या बनेगी, देखिए, दिस विल बी ए एम टू द पावर वन ओवर एन एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू वन माइनस एम ओवर एन. ठीक है, जब ये खुल जाता है तो क्या होता है, इस साइड आ जाता है आपका एल माइनस एप्सिलॉन, इस साइड आ जाता है आपका एल प्लस एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, एल हमारा ये है माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये क्या है, एप्सिलॉन बाई टू. ठीक है, और लेस देन हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये है आपका एक तरह का एल और ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन बाई टू और एप्सिलॉन बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एल बचेगा. ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एल माइनस एप्सिलॉन बनेगा. ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना, स्पेस की वजह से मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ. उसी तरह से सेकेंड वाली टर्म क्या बनेगी, सेकेंड टर्म बनेगी आपकी ए एम टू द पावर वन ओवर एन एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू टू द पावर वन माइनस एम ओवर एन. ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन, इसमें से ये माइनस कर देना है, तो ये बनेगा एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू माइनस एप्सिलॉन बाई टू. ठीक है, और लेस देन प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस ये, तो एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, यानी कि हो जाएगा आपका एल प्लस एप्सिलॉन और ये हो जाएगा आपका एल. हम सॉल्व कर रहे थे जब हमने सब टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था तो हम इस इक्वेशन पे आए थे, है ना, अगर आपको ध्यान हो. इसी इक्वेशन के बाद मैंने जो है इसका अलग से लिमिट निकाला, इसका अलग से लिमिट निकाला और यहाँ तक पहुँचे. ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखी है. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि देखिए कि ए एम टू द पावर वन बाई एन एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू वन माइनस एम बाई एन, ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, दिस टर्म इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन. ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि ए एम टू द पावर वन ओवर एन और जो एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू वाली टर्म है, दिस इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, सो दिस इज
लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ ये वाला यूज़ करेंगे कि एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन टू द पावर वन ओवर एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल क्या था, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम डैश। यही था हमारा, और इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो कि ए एन टू द पावर वन ओवर एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और इसी का मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर वन ओवर एन इज इक्वल टू एल। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, आपने शुरुआत करनी है ए एन प्लस वन डिवाइड बाय ए एन की लिमिट से, और ये दिखाना है कि इसकी जो लिमिट है वही ए एन टू द पावर वन ओवर एन की लिमिट है। तो ये वो केस था जब हम एल को लेके चल रहे थे फाइनाइट। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे एल को इनफाइनाइट, और वो बड़ा ही आसान है। अब सेकेंड केस देखिए, जब आपकी लिमिट क्या है, इन्फिनाइट है, तो मान लीजिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन का लिमिट है इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका और इसका भी ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए एन अपॉन ए एन प्लस वन का लिमिट ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है, अब मैं इस ए एन को कैसा लिख सकती हूँ, इस ए एन को लिखा जा सकता है वन अपॉन ए एन, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ए एन बनेगा। ठीक है, और उसी तरह से ये वन अपॉन ए एन प्लस वन है, इसको मैं वन अपॉन ए एन प्लस वन लिख लूँगी ताकि ये डिनोमिनेटर में यही चीज़ दे गया। ठीक है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जो कि फाइनाइट है। तो जैसी प्रोसीजर हमने अभी लगाई है वही प्रोसीजर लगानी है। वहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ पर हमारा ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन था, और यहाँ पे क्या है वन अपॉन ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन, यानी कि हमारे ए एन का रेसिप्रोकल हो चुका है। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो उसी जैसे कि हमने एज इन केस फर्स्ट किया था वही चीज़ करनी है। तो वहाँ पे आया था ए एन टू द पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एल, तो यहाँ पे ए एन की जगह क्या है वन अपॉन ए एन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन ए एन की पावर वन बाई एन, वही लिमिट आएगी जो इसकी लिमिट है, यानी कि ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन ए एन टू द पावर वन ओवर एन इज ज़ीरो। फिर से क्या ले लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए, सो ए एन की पावर वन ओवर एन इज इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप फाइनाइट लिमिट लीजिए चाहे इन्फाइनाइट लिमिट लीजिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर वन ओवर एन का लिमिट और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन का लिमिट, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कॉची सेकेंड थियरम ऑन लिमिट। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको इसका प्रूफ समझ में आया हो। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर के एग्जाम्पल, कि किस तरह से ये थियरम जो है एग्जाम्पलों में यूज़ होता है। ठीक है।